तो गाइज़ ये अभी हम रास्ते पे हैं और जा रहे हैं फरिश्तों वाली दरबार पे, तो आपको दिखाएंगे कि इसको फरिश्तों वाली दरबार क्यों कहा जाता है, वहाँ के लोकल्स से जानेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्यों कहा जाता है। ये है उसके बाहर का झील जो कि बहुत ही खूबसूरत मंजर दे रहा है, और ये है फरिश्तों वाली दरबार। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है, सैकड़ों साल पुरानी इसकी तारीख है। तो बाकी यहाँ के लोकल से जानेंगे। असा ओ साडे गुण ऊचे असा इन गुण झिके तो असा उन को ऊचे वाले ए रेड के तल वाली ने इतनी एक गाल ए दरबार इन्होंने नी बनन दीती, गवर्नमेंट ने बड़ा जोर लाए इको उते बनावा की खातिर, लेकिन कई इंजीनियर हट गए जोर लाने। सही सही मुंह में वजन बढ़ने के देखो। सही, तो डिफरेंट लोगों के जबानी डिफरेंट उनके जो ख्यालात हैं और जो रिवायात चली आ रही हैं उसके बेस पे बातें जो है ना एक्सप्लोर की जा रही हैं। चले तो आसमां तेरी लहत पर शबनम शानी करे। तो अभी हम आपको अंदर लेके जा रहे हैं और आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा कि कितना पुराना तामीर है ये, और ये है हज़रत का दरबार। तो ये आप देख सकते हैं अंदर से।